हेलो गाइस, होप आप सभी अच्छे होंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इट्स द टॉपिक ऑफ रिमेनिंग टॉपिक ऑफ द चैप्टर सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ क्लास 12। ओके, सो वी विल डिस्कस फर्स्टली आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? ओके, सो इट इज द क्रॉसिंग ऑफ डिफरेंट स्पीसीज टू जनरेट अ प्रोजेनी कंटेनिंग ऑल द डिजायरेबल कैरेक्टर। ओके, जब हम किसी डिफरेंट स्पीसीज के बीच जो है क्या करते हैं, क्रॉसिंग कराते हैं, ठीक है, और उससे जो प्रोजेनी ऑप्टेन होती है, वो जो प्रोजेनी ऑप्टेन होती है वो उसमें सभी डिजायरेबल कैरेक्टर होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। और ये जो है कमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज़ होती है, ठीक है। सुपीरियर वेराइटीज़ की जो है प्रोजेनी ऑप्टेन की जाती है फ्रॉम अ क्रॉसिंग ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ओके, और ये यूज़ की कहाँ किए जाते हैं? फ्रॉम अ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, ठीक है। क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए कई सारे प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है इस मेथड्स को यूज़ किया जाता है। डिफरेंट स्पीसीज़ की वैरायटी को जो है क्रॉसिंग करा के उससे प्रोजेनी ऑप्टेन किया जाता है। प्रोजेनी मीन्स कि न्यू प्लांट्स का जो है फॉर्मेशन करना, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल का। ओके, तो इसमें इस प्रोसेस को करने के लिए जो है कई मेथड है, ताकि जो है प्रोसेस में जो है सेल्फ पोलिनेशन ना हो, ठीक है, क्योंकि एक ही प्लांट्स में जब कई सारे फ्लावर होंगे तो वहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करा जाएगा तभी जो है पॉसिबल है कि क्रॉस पोलिनेशन हो, ठीक है। जब तो उसके लिए उसको कंट्रोल करने के लिए कई मेथड्स हैं, ठीक है। जैसे फर्स्टली दिया हुआ है इमेस्कुलेशन, तो इन इमेस्कुलेशन फर्स्टली एंथर रिमूवल बिफोर डिएसेंस, ठीक है। एंथर को क्या कर दिया जाता है कि डिएसेंस होने से पहले ही उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। जब एंथर ब्रस्ट होकर पॉलन ग्रेन रिलीज करे उससे पहले ही उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, फ्रॉम अ सीजर और एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। दिस इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमेस्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बैगिंग। बैगिंग में क्या करते हैं कि जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर है, ठीक है, जिसका हमने एंथर रिमूव किया गया है, उसको बैग से कवर करेंगे। बैग इन द सेंस कि प्लास्टिक कवर होती है, ठीक है, नॉट वो वाली बैग, स्कूल वाली। ओके, सो प्लास्टिक की कवर होती है, ठीक है, प्लास्टिक कवर से उसको क्या करेंगे, कवर कर देंगे, ठीक है। और हम उससे वही पॉलन ग्रेन ऑप्टेन करेंगे जो हमें चाहिए होगा, बाकी जो अनवांटेड पॉलन ग्रेन है उसको बैग से कवर्ड होंगे, ठीक है। अब जो हमें जो पॉलन ग्रेन चाहिए होता है जिसके हम क्रॉसिंग कराना चाहते हैं, उसको क्या करेंगे कि जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, ऑफ द बैक फ्लावर, तो उसके पॉलन ग्रेन को रिलीज करके उसके ऊपर डस्टिंग कर देंगे, ठीक है, पॉलन ग्रेन को स्प्रेड कर देंगे ऑन द टॉप ऑफ द स्टिग्मा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होगा, आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से जो है हम जो है कुछ मेथड्स को सेल्फ पोलिनेशन को कंट्रोल करके ओवरऑल हम जो क्रॉस पोलिनेशन करा के जो हमें कैरेक्टर चाहिए होता है उसको ऑप्टेन कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डबल फर्टिलाइजेशन। What is double fertilization? As I have discussed earlier also, it occurs after the pollen tube reaches the ovary. It is the characteristics of angiospermic plant. Okay? तो basically जो flowering plant होते हैं वो angiospermic plant ही होते हैं, उन्हीं में जो है double fertilization जो होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब pollen tube क्या करता है कि ovary के inside जो है grow करके जो है enter करेगा, ठीक है। तो pollen tube में basically two male gamete होते हैं, ठीक है, एक तो वेजिटेटिव सेल होता है, एक जनरेटिव सेल होता है, ठीक है। तो जो है जो जनरेटिव सेल होता है वो जो है उसमें दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वहीं जो है पॉलन ट्यूब में जो है रहता है, ठीक है। और वो जो है ओवरी के अंदर जो है ओवरी चूंकि क्या होती है, 8 nucleate and 7 celled होती है, ठीक है, 8 nucleate 7 celled हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाए हुए। तो ओवरी के इनसाइड जो है 8 nucleus हैं, जिसमें कि 3 nucleus जो हैं, 3 cell जो हैं माइक्रोपैलर एंड पे हैं, एंड 3 जो होंगे वो चैलेजल एंड पे होंगे, ठीक है, और 2 nucleus जो है पोलर सेंटर में होंगे, ठीक है, 2 polar nuclei जिसको बोलते हैं। तो बेसिकली 7 cell हैं, 3 cell एट द माइक्रोपैलर एंड, 3 cell एट द चैलेजल एंड, एंड 1 cell एट अ सेंटर, 1 cell एट अ सेंटर, जिसको सेंट्रल सेल कहते हैं, जिसमें कि 2 polar nuclei होते हैं, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब जो है जिसमें कि 2 male gamete होते हैं इंटर करता है इनटू द सिनर्जिड, सिनर्जिड के थ्रू जो है एग सेल से फ्यूज करेगा, ठीक है। एक गैमेट जो है 1 male gamete फ्रॉम अ पॉलन ट्यूब फ्यूज विद द एग सेल, जिस प्रोसेस को सीन गैमिंग कहते हैं, ठीक है, जिससे कि जब फ्यूज करके वो क्या बनाते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। और पॉलन ट्यूब का जो सेकंड मेल गैमेट होता है फ्यूज करता है विद द 2 polar nuclei
ठीक है, जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, तो वो फॉर्म करती है ट्रिप्लाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको शॉर्ट इन शॉर्ट वी कैन से PEN. सो दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन. वाई वी कॉल ट्रिपल फ्यूजन इज डैट बिकॉज जो दो मेल गैमिट है, एक तो एक्सल से फ्यूज किया और एक जो है सेंटर में टू पोलर न्यूक्लियाई से, तो फ्यूजन कितनी बार हो रहा है, 3 times. दैट्स वाई दिज आर नॉन एज ट्रिपल फ्यूजन. ओके, यू कैन सी हियर इन डायग्राम, यू कैन सी हियर इन डायग्राम, यहाँ पे जो है पोलन जो है, यहाँ पे पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा से फर्स्टली स्टिक करके जो है इसमें इंटर करा है ओवरी के इनसाइड, और यहाँ पे फ्यूज करके यहाँ पे सेकेंड फिगर में आप देख सकते हैं कि पोलन ट्यूब इससे इंटर करा है. ठीक है, फ्यूज करके देन थर्ड फिगर में आप देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ दिखा हुआ है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया जो कि डिप्लॉइड होता है, और टू पोलर न्यूक्लियस से एक सेल फ्यूज करेगा पोलन ट्यूब का, तो वहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन होगा, तो वो ट्रिपल फ्यूजन बाद में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर देता है जो कि ट्रिपोलाइड होता है, 3N ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है, तो ये एंडोस्पर्म जो है क्या करता है, इस जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. तो जो है सेंटर सेल जो होती हैं आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन कॉल्ड एज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. ठीक है, जब सेंटर सेल होती हैं, जब ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है, तो वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहते हैं उनको. ठीक है, इन शॉर्ट PEC, जो कि डेवलप हो जाती है इनटू अ एंडोस्पर्म. ठीक है, विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द इम्ब्रो. ठीक है, और जो जाइगोट होता है वो जो है इम्ब्रो में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस इम्ब्रो को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करता है, PEC. ठीक है, इंडोस्पर्म. ठीक है, इंडोस्पर्म जो है इस इम्ब्रो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और यही इम्ब्रो जो है ओवरी जो है कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फ्रूट में, और ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, यही इम्ब्रो जो है इनसाइड द फॉर्म करेगा, ओवरी जो है कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, फ्रूट में, और ओव्यूल जो है कन्वर्ट हो जाएगा सीड में. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव योर आल्सो फीडबैक ऑन कमेंट सेक्शन. और क्या चीज़ें नहीं समझ में आई उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें. सो तब तक के लिए इतना ही, बाकी टॉपिक्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो इफ यू लाइक